पार्टिसिपेट किया सर के साथ, ठीक है, और सर ने आपको बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। अब देखना ये है व्हाट विल बी द रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। सर ने आपको पेरेंट्स के रिगार्डिंग ये बोला कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, यस और नो? ये बात हम आपको कितनी बार बोलते हैं, और मैं सच बताऊ ना, मुझे बहुत फील हो रहा है कि किसी ने भी अपने दादा दादी जी के नाम के साथ या अपने पेरेंट्स के नाम के साथ जी नहीं लगाया। पता नहीं हिम्मत कैसे होगी आप लोगों की। यू नो, मुझे अपनी 7 पुश्तों का नाम पता है। चलो मैं वो बात नहीं करती, मेरे यानी कि दादाजी, परदादाजी, लक्कड़ दादाजी, मतलब हम एक सीक्वेंस सिखाई गई है और हम हिम्मत नहीं है, मुझे लगता है हम सभी टीचर्स ने, कि हम अपने पेरेंट्स का नाम मिस्टर मिसेज या जी के बिना बोलेंगे। मेरे सारे टीचर्स ऐसे हैं और आई एम रियली शेमफुल फॉर दैट कि मेरे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। रियली शेमफुल, मुझे बहुत फील हो रहा है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें पाल रहे हैं। अब मैं टीचर्स में आऊंगी। जब भी कभी आपसे घर पे जाके पूछा जाता है ना कि बेटा साइंस कौन करवाता है, बहुत से बच्चे बोलते होंगे शाइना मैम करवाते हैं, सुमन मैम करवाते हैं, बट कुछ बच्चे ये भी हो शाइना हो बाली बनती आते आप सब, है ना ये चीज, है ना ये चीज, शाइना है कि नवी आई है, कोई पुरानी है। फिर आपने निकनेम्स भी रखे होंगे टीचर्स के, सबसे ज्यादा निकनेम्स आपने रखे होंगे जेंट्स टीचर के, स्पेशली डीपी सर के, बिकॉज ही इज ऑलवेज स्ट्रिक्ट विद यू। यू नो वाई ही स्ट्रिक्ट विद यू? डू यू नो कि वो आपको एक अच्छा सिटीजन बनाना चाहते हैं, एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाना चाहते हैं, ठीक है। एनिमल्स की मैं एग्जांपल देती होती हूँ कि एनिमल्स भी जब मूव करते हैं ना, वो एक रो में मूव करते हैं, इतनी समझ उनमें भी है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग तो एनिमल से भी बुरे हो, यस और नो? तो आपके लिए जो डिसिप्लिन बनाया जाता है, जो स्ट्रिक्टनेस की जाती है, दैट इज नॉट टू टॉर्चर यू पीपल, सिर्फ आप लोगों को कुछ बनाने के लिए, ये डीपी सर की ड्यूटी है। और बहुत से बच्चे ये बोलते हैं ये तो बहुत बनता है आज, इवन पेरेंट्स आ जाते हैं, आप उसे मैडम डीपी टिका लो, नहीं असे टिका देंगे। एंड यू नो आई ऑलवेज सपोर्ट माई टीचर, मैं कभी भी पेरेंट्स की ये बात नहीं सुनती, बोलते रहे पेरेंट्स कोई बात नहीं, उनको ये नहीं पता कि वो अपने ही बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। क्या मैं एक दुकानदार की सिर्फ एक परचेजिंग बढ़ाने के लिए आपको यूनिफॉर्म की स्ट्रिक्टनेस करते हैं? नहीं, कल को आप में से ही आईएएस बनने, आईपीएस बनने हैं, आर्मी में जाओगे तो आपको यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन सीखना चाहिए कि नहीं? सीखना चाहिए ना। तो हमारी हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। हमारा एम टीचर्स का, हम सब का सिर्फ यही है कि शिवालिक स्कूल के बच्चे गुड सिटीजन बने और हर जगह पे नाम हो कि हाँ जी। तो इसीलिए कहते हैं, आज सर जब आए उन्होंने मुझे यही कहा कि मैम आप तो मॉरल वैल्यूज देते होंगे, मैंने कहा बहुत देते हैं, टीचर्स तो बहुत समझाते हैं। कहते कि मैं जब बाहर से आया हुआ ना, जब बाहर से कोई इंसान आके इनको बोलता है ना, तो इनकी आत्मा जागती है। तो आज आपकी आत्मा जागी होगी, यस और नो? सो आई रियली अप्रिशिएट यू सर कि आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, और बहुत वी कैन से कि इनका जो सोल है ना, अंदर जो जगती है हमारे अंदर आत्मा की, उसको जगाने वाला भी था। रियली आई रियली अप्रिशिएट यू, प्लीज पुट अ हैंड्स फॉर।